नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर विकास चौधरी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ओंकोलॉजी, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। आज हम रेडिएशन ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सो रेडिएशन ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एज विथ सर्जिकल एंड मेडिकल ओंकोलॉजी। सो रेडिएशन ट्रीटमेंट मेनली डिफरेंट टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। सो हम जो टेक्निक्स यहाँ यूज़ करते हैं वो हैं वीमेट, आईजीआरटी, एसआरएस, एसबीआरटी, रेस्पिरेटरी गेटिंग, that is motion management, and then brachytherapy. Brachytherapy are of different types like intraluminal, intracavitary, interstitial. So ये सारे नाम आपको ग्रीक एंड लैटिन्स लगेंगे, बट इन सब में टेक्निक्स में कुछ ना कुछ पिक्यूलिटीज़ हैं जिनकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल होते हैं एंड द बेनिफिट इज़ मैक्सिमम। सो हर पेशेंट को एक ही क्वेश्चंस रहता है कि साइड इफ़ेक्ट क्या है सर, इस टेक्निक से किस टेक्निक से हमारे साइड इफ़ेक्ट मिनिमम रहेंगे। तो ये सारी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से साइड इफ़ेक्ट है वो मिनिमल रहते हैं। स्पेशली अगर हेड एंड नेक की बात की जाए तो लंबा ट्रीटमेंट चलता है 6 से 7 हफ्ते के लिए। तो उसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट मोस्ट कॉमन है वो मुंह में अल्सर होना या खाने में दिक्कत आना, जिसकी अगर ऐसी कुछ ज़्यादा होती है तो रॉयल स्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम कोई स्तन या फिर लंग के लिए ट्रीट करें तो उसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी मिनिमल रहते हैं। रेडिएशन इम्यूनाइटिस होने के चांसेस काफ़ी मिनिमल रहते हैं आज के मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से। एब्डोमेन की बात करें तो जीआई जो टॉक्सिसिटी है वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तक ही रहती है। पेल्विक रीजन में बात करें तो बर्निंग मिक्चुरेशन जस्ट 1 to 5% चांसेस रहते हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी साइड इफ़ेक्ट्स को लेके आप ट्रीटमेंट से ना घबराएँ and you can take that treatment without any fear. Thank you.